तो लेटरसी वट आर द इम्पॉर्टेंट न्यूज आज एक बहुत अच्छा डैम जो है डैम जो से, सेफ्टी है उसको लेके काफ़ी अच्छा एक हमारे पास आर्टिकल इन्होंने मेंशन किया कुछ में है कुछ रिपीटेशन में टॉपिक है आई लेट यू नो है ना जो अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं जैसे अफगानिस्तान के अर्थ के को लेकर इशू है सेम सेक्स मैरिज का जो इशू है तो उस पर रिपीटेशन आ रहे हैं क्लियर वो मैं आपको बता दूंगा इशू डिस्कस हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली ही वो डिस्कस हुए हैं और जो इशूज हैं उनको एक एक करके शुरू करेंगे Uh, जो नए बच्चे हैं ये टेलीग्राम चैनल है अगर आपको पी या जो भी अदर इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट मटीरियल इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए चलिए इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ये लिंक यहाँ पे दे रखा है एनवायरमेंट uh, और जोग्राफी की uh, हम चर्चा करें तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है डैम सेफ्टी को लेके है ना उस पर भी हम आएंगे उससे पहले छोटी छोटी दो तीन न्यूज़ हैं उनको ले लेते हैं एनवायरमेंट में ही लिंक होगी प्रबल्स स्पेसिफिक ये न्यूज़ यहाँ पे है स्पेसिफिक ये न्यूज यहाँ पे हमारे पास आ रही है देखो तो टाइमिंग के रिगार्डिंग तो आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था फॉर ट्वाइस रिगार्डिंग कि यहाँ पहले हमने दस बजे शेड्यूल किया था सेशन फिर दोबारा से रिवाइज हुई थी टाइमिंग एक क्वेश्चन है आई होप आप यू कैन आंसर लोनाक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है अभी आपको पढ़ाया आप आंसर कर सकते हो राइट टू आंसर पीरियोडिकल सिकाडा इमरजेंस डिस्टर्ब द फूड वेब देखो जो सिकाडाज होते हैं ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग भी माना जाता है काफी बड़े इंसेक्ट होते हैं अगर मैं हाथ में बात करूँ तो इस तरीके से काफी बड़ा साइज के अंदर आपको सिकाड़ा दिखेगा इतना बड़ा ये इंसेक्ट है बफर कर रहा है क्या आपका सिकाटास जो होते हैं इनका ये जो छोटा सा न्यूज है ये क्या मेंशन कर रहा है ये कह रहा है कि यार जो फूड वेब है ना इसको ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा समझते हैं दो चीजें हमारे पास हो गई कि फूड वेब क्या है कैसे इसको डिस्टर्ब करेगा और सेकेंड सिकाडास क्या होते हैं पहले सिकाडास को समझते हैं फिर इस पे आएंगे सिकाडास बहुत ही यूनिक अपने आप में इंसेक्ट है क्योंकि इसकी जो आइज दिख रही है जो रेड आइज दिख रही है ना ये बहुत यूनिक अपने आप में है ना ये इन इंसेक्ट को बहुत ही डिफरेंशिएट करती है साइज में काफी बड़ा है जैसा आपने देखा होगा ना बड़ा ये साइज में आ रहा है इन जनरल हमें नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे देखने को मिलता है और ये है वर्ल्ड लिविंग इंसेक्ट क्यों कहा जा रहा है क्योंकि जमीन के नीचे ही ये जब एक बार एग से हैच होता है उसके बाद सत्रह साल तक जमीन के नीचे ही रह रहा है ठीक है सत्रह साल बाद बाहर निकलते हैं कुछ हफ्तों के लिए अपना जो भी है फर्टिलाइजेशन वगैरह फिर अपने एग देंगे फिर तो इस तरह से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग इंसेक्ट है दैट लिव अंडरग्राउंड फीडिंग ऑन द रूट्स रूट्स जो भी उस पर फीड करते हैं अपना खाना वहां से लेते हैं इमरजेंस फ्रॉम द अंडरग्राउंड वंस इन द अडरग्राउंड टू से 17 साल में होता है अलग अलग इनमें भी differentiation है तो, ये आप सकते हो। general, आप तो इनको जो होते हैं इनको हार्मफुल नहीं मानते जैसे टिड्डी दल होता है ना आपने सुना होगा टिड्डी दल का नाम सुन रखा है have this. तो जो लॉकस्ट होती हैं जो टिड्डी दल होते हैं वो क्या आते हैं झुंड के अंदर आते हैं स्वाम्स के अंदर आते हैं और पूरी की पूरी क्रॉप है फसल उसको चौपट कर देते हैं नष्ट कर देते हैं रिसेंटली कुछ सालों पहले आपने देखा होगा टिड्डी लॉकस न्यूज में थे है ना इंडिया के अंदर भी काफी जगह पे देखने को मिला था उस तरीके से ये हार्मफुल नहीं है हालांकि आते के अंदर है झुंड के अंदर आते हैं सत्रह साल बाद निकल रहे हैं फिर, लेकिन इस तरीके से हार्मफुल नहीं है कि सब कुछ उसको कर दिया बट अगेन दे आर फीडिंग ऑन द लीव अगर बाहर आ जाएंगे अंदर है तो रूट उस पे फीड कर रहे हैं बाहर आ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे प्लांट की लीवस पे फीड करेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्लांट या ट्रीज हैं उसकी लीव्स पे ये ड कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पर्टिकुलर न्यूज से ये न्यूज क्या कह रही है ये न्यूज यहाँ पे कह रही है कि देखिए आपके ये जो मास इमरजेंस हो रहा है बारह साल सत्रह साल बाद एक साथ झुंड में स्वाम्स में निकल रहे हैं इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका के जो फॉरेस्ट है वहां पे जो उसका फूड वेब है उसको ये क्या कर सकता है रिवायर कर रहा है उस फूड वेब को क्या कर रहा है ये रिवायर कर रहा है रिवायर इन द सेंस कि पूरा का पूरा वहां पे चेंजेस क्रिएट कर रहा है वो चेंजेस काफी नुकसानदायक भी हमें यहाँ पे लग रहे हैं किस तरह से नुकसानदायक लग रहे हैं उसको थोड़ा समझते हैं होता क्या है जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट पे फीड करते हैं तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, क्या करते है? Uh, आपके इंसेक्ट पे फीड कर रहे हैं जनरली so, जो बर्ड्स होते हैं वो कैटरपिलर और इस तरह के इंसेक्ट को खा रहे हैं लेकिन जब सिकारडाज बहुत सारे आ जाएंगे नंबर में तो बर्ड्स के लिए ये फेवरेट है कि अच्छा खाना है डेली तो दाल खा रहे हैं आज पनीर टिका मिल गया या जो भी है गेटिंग दिस तो यहाँ पे ये न्यूज ये कहना चाह रही है कि अब ये क्या कर रहे हैं ये इनके ऊपर फीड करना शुरू कर दिया इन्होंने कैटरपिलर और इनको छोड़ दिया है तो कैटरपिलर क्या करेंगे वो भी लीव्स और इसको डैमेज कर रहे हैं प्लांट्स की तो दो तरफ से जो प्लांट्स की लीव्स है उनको डैमेज हो रहा है एक तो सिकाडा है ये भी लीव्स को खा रहे हैं दूसरी तरफ कैटरपिलर भी खा रहे हैं कैटरपिलर को अब बर्ड्स खा नहीं रहे हैं उसकी वजह से कैटरपिलर का नंबर बढ़ गया है इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट का फूड वेब है इसको रिवायर कर रहा है इसकी वजह से जो लीव्स को डैमेज है इन फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ है उनकी लीव्स को जो डैमेज है वो डबल हो गया है गेटिंग दिस 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 इज इज न्यूज ट्राइंग टू टेल फूड 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 वेब वेब आपको पता पता ही है चेन आई होप आप सभी को पता होगा अगर हम फूड पिरामिड इस तरीके से बनाते हैं ठीक है ये छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने तो सबसे नीचे क्या आएंगे प्रोड्यूसर आएंगे प्रोड्यूसर्स आते हैं ठीक है ऑट्रोट्रॉफिक होते हैं जिसमें प्लांट्स आएंगे जो अपना खाना खुद बना रहे हैं ठीक है फिर हेट्रोट्रॉफ आएंगे जो ऑटोट्रॉफ हैं जो अपना खाना खुद बनाएंगे हेट्रोट्रॉफ में प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टॉप ये प्रश्री कंज्यूमर इस तरह से आप लिख सकते हैं टॉप प्रडेटर पे क्या होंगे जैसे लायन हो गए ठीक है टाइगर्स हो गए या फिर ईगल हैं ये सब इसके अंदर आएंगे टॉप के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर में क्या होगा जो केवल प्लांट्स के ऊपर निर्भर है जैसे हिरन जो भी हरबी वर्स एनिमल्स हैं ना कैटल हो गया या डियर हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर में जो इनके ऊपर इनको खा रहे हैं इट कुड बी जयकाल हो गया भेड़िए हैं या फिर यू हैव दिस स्नेक्स हो गए ये सब तो एक तो होता है फूड चेन बनती है सिंपल सी ठीक है और फूड वेब में क्या होगा जब ये कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है इस तरह से कॉम्पलेक्सिटीज है ठीक है जैसे रेबिट है तो जरूरी नहीं है ना कि रेबिट को पहले स्नेक खाएगा फिर स्नेक को जो है ईगल खाएगा इस तरह से जरूरी नहीं है डायरेक्ट रेबिट को अगर कोई लेपर्ड है उसको दिख गया वो खाने को तो वो भी खा सकता है सो दिस इज देंस इन फूड वेब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है मेन तो सिका का था ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इंसेक्ट ही होते हैं सेकंड है अगेन दिस इज ऑनली प्रोब्लम्स स्पेसिफिक कई बार प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वहां पे ये आपको हेल्प कर सकते हैं क्या कह रहे हैं हालांकि इसमें आपको भी पता होगा ये चीज़ें इसमें नया कुछ इन्होंने मैंशन नहीं किया एक स्टडी हुई है उसमें ये क्या कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जिसे हम कहें कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सर ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है देखो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर के बाहर तो आपको तो वैसे तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसमें बैकग्राउंड नॉइस का नहीं होता है क्योंकि तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है तो स्टूडियो के गेट तो बंद हैं फिर भी मुझे एक बार बता दीजिए कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना प्लीज़ लेट मी नो कि मुझे यहाँ पे बहुत तेज जो ये मशीनें वगैरह चल रही हैं ना उनकी आवाज़ आ रही है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो ऑल इज ओके क्या आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है मेरी आवाज़ तो समझ आ रही है ना चलिए तो यहाँ पे ये यह क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं यार टेम्परेचर रेंज एक्सट्रीम हो गई है ना एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज यहाँ पे जा रही है वजह से क्या हो रहा है कि जो बर्ड्स हैं जो अपना नेस्टिंग कर रहे हैं घोंसले बना रहे हैं वो एग्रीकल्चरल जो लैंडस्केप है उसमें जो उनके नेस्टिंग एबिलिटीज हैं घोंसले बनाने की जो क्षमता वगैरह है उस पर निगेटिव इंपेक्ट बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा इनका हैबिटेट जो है वो एंडेंजर हो रहा है इनका कल को एग्जिस्टेंस भी एंडेंजर हो जाएगा ये भी खतरे में पड़ेंगे उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने ये मैंशन किया हुआ है क्लियर ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग अब एग्रीकल्चर वाला जो लैंडस्केप है उसमें किसका रोल है एग्री लैंडस्केप में रोल है ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं उसको मॉडरे मॉडिफाई करते जा रहे हैं है ना ह्यूमन बींग्स उसको मॉडिफाई कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंडस्केप में मान लीजिए कोई खेत थे उसके चारों तरफ पहले बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ थे अब उसने सोच लिया कि नहीं चलो इसको टिम्बर के लिए काटते हैं जो भी करते हैं वो सारा चला गया अब वो घोंसले काम रहे तो उसी चीज पे लिख के दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस इसी में आएगा कई बार आपको स्टेटमेंट देके इस तरह से कंफ्यूज करता है तो वहां पे ये हेल्प होंगी क्योंकि इस तरह की चीजें ऐसा नहीं किसी किताब में लिख ली यू विल कम अक्रॉस दीज काइंड द न्यूज़ पेपर एंड ऑल कोई ऐसी मैगजीन आप पढ़ रहे हो अगर आपकी हॉबी है कोई तरह की क्राफी यू टाइप मैगजीन डाउन टू अर्थ पढ़ रहे हो तो यू विल कम अक्रॉस दीज काइंडरवाइज न्यूज अदरवाइज़ पढ़ रहे दैट इज मोर देन सफिशियंट ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल अच्छा 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 यहाँ पे है आज हिंदू के अंदर है दिस इज इम्पोर्टेंट इन डीड इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन भी है, है ना डेम डैम से, सेफ्टी की अगर हम बात करें पहले भी हमने इसको कवर किया था जब डैम सेफ्टी एक एक्ट की बात आई थी एक नया कानून भी बनाया गया था उस समय पे भी हिंदू में आर्टिकल था और हमने डिटेल में एक बार इसको कवर किया था इस साल के मेंस में भी इसको लिंक करके पूछा हुआ है क्या यहाँ पे कह रहा है ये कह रहा है डज इंडिया नीड टू तो रिलुक एट द दे डैम सेफ्टी एक्ट कॉन्टेक्स बता सकता है कोई कॉन्टेक्ट क्या है क्यों यहाँ पे इसको रिलुक करने की बात हो रही कोई भी बच्चा क्यों इसको तो रिलुक करने की बात हो रही है एक क्वेश्चन दे रखा है आपको मैं चाहूंगा सारे बच्चे उसको आंसर करो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है लाइव चैट के अंदर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दैट वही इसका कॉन्टेक्स भी है क्या है कॉन्टेक्स पांच अक्टूबर को हमने एक न्यूज पढ़ी थी आपको एक टॉपिक हमने पढ़ाया था उसमें क्या था सिक्किम के अंदर जो ग्लेशियल लेक थी एक है ना ग्लेशियल लेक थी वो फट गई थी ग्लेशियल लेक बस्ट हो गया था उसकी वजह से फ्लडिंग हो गई थी ठीक है ये जो ग्लेशियल लेक बस्ट किया था उसकी वजह से बाढ़ आ गई थी बहुत बुरी स्थिति बन गई थी और इसकी वजह से काफी डैम फेलियर भी हुए थे स्पेशली ये जो चुंगथांग डैम है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था फाइन और ये जो लेक थी वो कौन सी थी ये थी लोनाक लेक लोनाक लेक जो है द लोकेशन हियर लोनाक लेक ये सिक्किम है ठीक है इधर आपका नेपाल आ गया यू हैव दिस भूटान हियर भूटान है ऊपर चाइना है तो यहाँ पे लो, लोनाक जो लेक है उसकी लोकेशन यहाँ पे थी और इस लोनाक लेक की वजह से ये जो चुंगथांग डैम है ये आपका क्या कर गया था डिस्ट्रॉय हो गया था फेल कर गया था ठीक है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये टॉपिक पढ़ा रखा है जिन बच्चों को नहीं पता ना सर हमने तो अभी ज्वाइन किया है हमें नहीं पता तो ये पाँच अक्टूबर का सेशन है इसको देख लें ऑलरेडी प्ले लिस्ट क्रिएटेड है आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको अक्टूबर का जो हिंदू न्यूज़ पेपर है ठीक है वो वहां पे मिल जाता है तो अक्टूबर की प्ले लिस्ट है उसमें पाँच अक्टूबर का देख लें उसमें डिटेल किया हुआ है पूरा क्या होती है क्यों आती है कैसे रोक सकते हैं वो सारी चीजें अब तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वापस ये आर्टिकल आया है कॉन्टेक्स वही है कि अगर हमारा डैम सेफ्टी जो एक्ट कानून हमने बनाया रिसेंटली 2021 में एक नया कानून बनाया गया जो तो भी लूप होल्स थे डैम्स की सेफ्टी को देखते हुए उनको थोड़ा सा सही करने के लिए एक तरह से समझिए कि इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है ना उसको अच्छा कर रहा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होती है कई बार इस वर्ड को यूज करते हो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मतलब कोई भी फील्ड हो चाहे इकनॉमी की पॉलिटिक की किसी भी वहाँ की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे संस्थान है ना जो उसके रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं जो उसके किसी भी चीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ ऐसे आपने इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं क्लियरली डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहां पे रहेगी कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी आपकी ये जिम्मेदारी तो इस तरह से इन्होंने क्या किया डैम सेफ्टी एक्ट एक कानून बनाया 2021 में पार्लियामेंट ने उसमें सबकी क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर दी ये प्रोविजंस है मेजर इनको ध्यान रखिए क्यों इस कानून को लाने की बात हुई क्योंकि यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट आई थी उस कॉन्टेक्स्ट में भी हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था डैम सेफ्टी वाली जो न्यूज है इस इसपे यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन भी पिक किया है वहां पे तो ये डैम डैम दे, जो सेफ्टी है इसके अंदर क्या हुआ है डैम सेफ्टी की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में छह के आसपास लार्ज बड़े इस तरह के बांध हैं डैम बांध हैं ठीक है बांध तो समझते हैं ना कुछ ऐसा बना के इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो चारों तरफ से हिल्स हैं ना कोई नदी आ रही है आपने वहां पर डैम क्रिएट कर दिया एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया कंक्रीट वॉल क्रिएट कर दिया और वो पानी वहां पर भरता जाएगा ठीक है डैम्स में गेट होते हैं जब ऊपर तक आ जाएगा गेट खोल के पानी को निकाल रहे हो निकास कर रहे हो ये सारी चीजें डैम इंडिया में 6000 से ज्यादा बड़े डैम हैं 80 परसेंट डैम्स हैं जो कि 25 साल से ज्यादा पुराने हैं जितना पुराना डैम होगा उतना सिक्योरिटी कंसर्न भी वहां पे बढ़ेगा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी कि ओल्ड जो डैम्स है ना इंडिया में नहीं पूरे विश्व में इनका नंबर बढ़ता जा रहा है सो वी नीड टू ओके टू कैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि उनको थोड़ा सही तरीके से देख लें इन्हीं चीजों को इन्हीं कंसर्न को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक कानून यहाँ पे लेके आती है पार्लियामेंट संसद एक कानून लाती है टू डेफिसिट द सर्विलियंस मेंटेनेंस यूजिंग द डैम फेलियर रिलेटेड डिजास्टर हमारे पास यहाँ पे डैम फेलियर जो हो रहे हैं या होते हैं उसके अंदर एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है कि हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ यार इस डैम में खतरा बढ़ रहा है यहाँ पे कुछ फेलियर जैसी संभावना हो सकती है ठीक है तो इसको मेंटेनेंस करो या फिर इसको सेफ्टी मेजर्स जो भी लिए जाने लिए जाए तो इस कानून ने क्या किया डैम सेफ्टी एक्ट ने नेशनल कमेटी बनाई डैम सेफ्टी के ऊपर नेशनल कमेटी ऑन द डैम सेफ्टी वुड ऑब्जर्व द डैम सेफ्टी पॉलिसीज एंड रेगुलेशन ये क्या करेगी जो भी डैम सेफ्टी पे पॉलिसी रेगुलेशन है इनको ऑब्जर्व कर रही है और फिर एक अथॉरिटी बनाई जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी दोनों का नाम याद रखो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी वुड बी चार्ज विद इंप्लीमेंटेशन रिजोल्विंग द इंटर स्टेट और स्टेट लेवल डिस्प्यूट फिर आपके पास में जो सेंट्रल वाटर कमीशन है ये पूरा डेटा गैदरिंग और ये सारी करेगा हालांकि इस पर जो डेटा भी आ रहे हैं वो लेटेस्ट तो नहीं है बट स्टिल इस इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है भैया आपकी जिम्मेदारी है कि डैम सेफ्टी जो प्रोटोकॉल है नेशनल लेवल पे आप उनको हेड करोगे से रिलेटेड जो भी आपके पास है सारी चीजें रहेंगी स्टेट कमिटी ऑन द डैम सेफ्टी ये भी बनाई गई और स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए देखो तो रिसेंटली अगर आप देखोगे ना अगस्त के अंदर ही सिक्किम ने यहाँ पे कुछ चीजें की थी इवन एक केस में तो फाइन भी हुआ था क्योंकि अगर आप डैम सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो पेनल्टीज और फाइन्स के भी प्रावधान हैं ठीक है फिर भी हमने देखा कि यहाँ पे इस तरह से चीजें हो रही थी कुछ ना कुछ आप डैम सेफ्टी जो कानून था उसको फॉलो कर रहे थे ये सारी चीजें स्टिल हमने क्या देखा कि जो ग्लेशियर लेकआउट बस फ्लड फ्लड वाला फिनोमिना है जो डैम फेलियर हुआ वो हमने देखा है तो कहीं ना कहीं ये क्या बता रहा है ये हमें बता रहा है कि सिक्किम का जो एक्सपीरियंस है एग्जैम्पली फ्लाइज लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो कानून है ना इसमें भी कुछ खामियां हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ खामियां हैं जो हमें सिक्किम वाले एग्जाम्पल से पता चलता है so, uh, okay, kind of उनपे वर्क करें इस तरह के जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि हाँ यार देखो ग्लेशियर लेक आउटबस में क्या होगा जो ग्लेशियर्स हैं बर्फ के पहाड़ है अगर वो पिघल रहे हैं तो जो लेक उनकी बन रही है आगे ठीक है एक डैम टाइप स्मॉल बन जाता है लेकिन जब वो पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो इस तरह से बस्ट कर जाती है टूट जाती है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी एक साथ डिस्चार्ज होगा और वो फ्लड कॉज करेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि केवल सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी के माध्यम से हम इसको अच्छे से पता नहीं लगा सकते तो काफ़ी सारी ग्राउंड पे बेसिस पे जो है ऑब्जर्वेशन होंगी अब तो ग्लेशियर्स में अंदर जाके इस तरह के ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन करना अपने आप में लिमिटेशन है तो पे क्या कर सकते हैं ये सारी चीजें देखनी होगी स्टेट्स वर आज टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ डैम फेलियर्स पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि स्टेट के ऊपर कोई स्टेट्यूटरी कंपल्शन था कानून के माध्यम से कोई कंपल्शन था कि कहीं पे भी कोई भी डैम फेलियर कुछ भी ऐसा होता है आप हमें रिपोर्ट करो अभी इसकी रिपोर्टिंग कंपल्सरी कर दी है अंडर दिस डैम सेफ्टी एक्ट इस तरह के स्टेटमेंट प्रॉब्लम देखे कन्फ्यूज करेगा इसी तरह से तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाता है ठीक है तो ये पॉइंट्स को भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए प्रोविजन रिक्वायर स्टेट टू क्लासीफाई द डैम अब देखो ये जो कानून है ये क्या कह रहा है यह कह रहा है कि आप जो है ना डैम को क्लासीफाई कर दो ऑन द बेसिस ऑफ किस हजार रिस्क इतना है कंडक्ट द रेगुलर इंस्पेक्शन क्रिएट इमरजेंसी एक्शन प्लान इंस्टीट्यूट इमरजेंसी फ्लड वार्निंग सिस्टम अंडरटेक द सेफ्टी रिव्यू पीरियडिक असमेंट्स अरे वाह सर ये तो आपको लिखा लिखा मटीरियल मिल गया अगर क्वेश्चन आता है इसके अंदर वे फॉर्वर्ड लिखना होता है क्या कर सकते हैं कैसे इन चीजों को रोक सकते हैं तो ऐसे कैसे पॉइंट्स हैं आपके पास में अगर इनको पॉइंट फॉर्मेट में लिखो तो वैसे लिख दो नहीं लिखना चाह रहे हो तो तीन से चार लाइन के अंदर आपका इतने सारे पॉइंट आ गए छह सात पॉइंट आ जाएंगे दिस इज द फर्स्ट वन दिस इज द सेकंड वन थर्ड इज द इमरजेंसी प्लान फोर्थ इज द वार्निंग सिस्टम फाइव इज द सेफ्टी रिव्यू सिक्स इज द असेसमेंट लो छह पॉइंट ऐसे किया आ गया समझ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट हमारे पास आ जाता है फिर कह रहे हैं कि डैम दे, डैम की जो सेफ्टी है ना दिस इज द फंक्शन ऑफ मेनी पार्ट्स ठीक है इसी आर्टिकल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डैम की जो सेफ्टी है बांध की जो सुरक्षा है वो काफी सारे फंक्शन पे डिपेंड करती है देखो यार आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी मनोज तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो कोई भी बच्चा कनेक्ट होना चाह रहा है टेलीग्राम के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हो क्लियर टेलीग्राम पे आप अपना मैसेज या जो भी है वो भेज सकते हो देखो इस पर आगे हम जाएँ उससे पहले मैं बता दूँ अगर आप ऐसा कोई भी एग्जाम जैसे यू पी का एग्जाम दे रहे हो या स्टेट पी जिसके अंदर रिटर्न एग्जाम है मीन्स का पेपर होता है उसके लिए ये जो सेशंस हैं बहुत ही अच्छे सेशंस हैं अब आप ये मान के चलो अगर आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम प्लान कर रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो तो एक हैबिट बना लो जनरली क्या होता है बच्चों को डर लगता है आंसर राइटिंग से काफ़ी सारे एक्सक्यूजेज हम मन से निकालते हैं यार अभी तो मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ ठीक है अभी तो मैंने एनसीआर नहीं पढ़ी अभी तो मेरी पांचवी क्लास है अभी तो मुझे तैयारी करे एक महीना हुआ है कुछ कहेंगे कि यार एक साल तैयारी तो करी है लेकिन मजा नहीं आया सिलेबस पूरा नहीं हुआ फिफ्टी परसेंट सो देर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस ये एक्सक्यूजेस कहाँ से आ रहे हैं मेरा जो बच्चों से इंटरेक्शन है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आप मान के चलिए ये एक्सक्यूज जो टॉपर्स हैं उनको भी कभी ना कभी किसी न किसी फेज पे रहे हैं अगर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ एक टॉपर थे वासु जैन उनके साथ मेरा इंटरव्यू चल रहा था कि उस में उन्होंने आई थिंक उनका थर्ड अटैम्प्ट या कुछ था लास्ट टू लास्ट ईयर के टॉपर रहे होंगे और उनके अंडर हंड्रेड ही रैंक थी उन्होंने बताया कि सर मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट है ठीक है वहाँ पे कही कहीं ना कहीं मैंने आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो जितना फोकस वहाँ करना था जो प्रैक्टिस करनी थी नहीं हो पा रही है तो अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में ही लिखने जा रहे हो आंसर तो इसका मतलब तो आपने अपनी फेलियर सर्टिफाई कर ली है ठीक है उस डर की वजह से तो hmm. लिखना है आपको लिखना है शुरू में ये भूल जाओ फॉर द लेटेस्ट से फॉर टू मंथ्स डू नॉट पे अटेंशन कि क्या आप लिख रहे हो उसमें ग्रामेटिकली इतना रेलिवेंट कॉन्टेंट है नहीं है उन सब चीजों को अभी कुछ समय के लिए साइड में रखो सब चीजें करेंगे लेकिन पहले के एक से दो महीने आपका जो थॉट प्रोसेस है उन थॉट्स को कैसे आप लिख पाते हो है ना जो लिखने की आपकी हैबिट है स्किल जिसकी बात करते हैं आंसर राइटिंग स्किल है जैसे अपना बचपन सोचो जिसमें आपने साइकिल चलाना सीखा हो या किसी को चलाते हो, देखा होगा स्कूटर बाइक है कार है आपने आपको नहीं आती होगी जब आपने लोगों को देखा होगा तो देखा होगा यार ये कितना आसानी से चला लेता है ना मेरे मेरे को आता नहीं वो तो एक स्किल है आज आप कितने आसानी से चला पाते हो इन सेम मैनर आंसर राइटिंग इज ए काइंड ऑफ स्किल ठीक है उसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है हवा क्यों बन जाता है क्योंकि उस चीज से हम डर रहे हैं डर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं बाद पे डालते हैं यदि थोड़ा सिलेबस पूरा हो जाए कल कर लेता हूँ अगले महीने कर लेता हूँ इस तरीके से उसको बाद पे डालते जा रहे हैं जबकि उसमें इतना कुछ है नहीं क्लियर तो डेली बेसिस पे लिखो और अगर आपको आंसर राइटिंग की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है तो बना लो सबसे पहले जो काम मुझे करना है है ना जब मुझे पढ़ाई शुरू करनी है अपना सबसे पहला काम आंसर राइटिंग का ही निपटा लेना है बाद में सारी चीजें करूंगा आंसर राइटिंग सबसे पहले करूंगा या आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट लगती हो ना किसी भी सेंस में उस काम को सबसे पहले रखो प्रायोरिटी पे रखो बाद में क्या होगा एनर्जी कम हो जाएगी कई बार टारगेट पूरा नहीं कर पाते हो चीज तो वो चीज रह जाएगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना चीज वही रह जाएगी ये इसलिए कहा क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैंने मेंस वगैरह दिए है आई एस के अभी पीसीएस का भी देना है लेकिन कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग पे तो आंसर राइटिंग पे फोकस करो यार क्योंकि यू हैव इनफ नॉलेज आप जितना सोचते हो ना उससे दो से तीन गुना नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हो इसको मान के चलो खैर चलो ये आएंगे आगे आते हैं इस वापस से नर्स टू दस पे आर्टिकल क्या ये कह रहा है हाँ मीनस के जीएस पेपर पे आएंगे वीडियो डेफिनेटली देखो एक तो एनसीआरटी वाली जो सीरीज है वो कल से शुरू हो रही है कुछ अपडेट मैं बता दूँ ठीक है काफ़ी सारे इश्यूज़ थे क्योंकि देखो यहाँ पे अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको नहीं पता कि उस टीचर के लाइफ में क्या चल रहा है ठीक है आपका हमारा इंटरेक्शन कंपेरेटिवली लिमिटेड है ठीक है तो आपको नहीं पता चलता कि टीचर के पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं नहीं है यू हैव नो आइडिया अबाउट इट तो फिर भी हमारी कोशिश रही कि ये वाला जो सेशन है मॉर्निंग वाला सेशन इसको तो कंटिन्यू रखा ही जाए ठीक है और अब इसमें यह था कि एनसीईआरटी हमने शुरू की थी फिर कुछ वजह से डिसकन्टिन्यू उसको करना पड़ा था लेकिन जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था वो एन दोबारा से शुरू हो रही है मंडे से मतलब कल आठ बजे क्लास है उसकी जो नए बच्चे हैं वो पुराने सेशन देख लेना एक बार टाइम है आपके पास कल आठ बजे हम मिलते हैं उसी एन सी आर टी वाली क्लास एन सी आर टी इलेवंथ क्लास की है बहुत इंपॉर्टेंट उसको हम कवर यहाँ पे करेंगे ठीक है इसी तरह से इशू बेस्ड और टॉपिक्स हैं वो भी अभी रेगुलर बेसिस पे आने लग जाएंगे और ये सारी चीजें क्लियर चलो अब आ जाते हैं इस पे देखो डैम सेफ्टी इज अ फंक्शन ऑफ मेनी पार्ट्स अब यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसमें ये क्या कह रहा है कि डैम की जो सेफ्टी है वो काफ़ी सारे रीजन्स पे काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मतलब डैम का जो फेलियर होगा वो भी कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स से रिलेट करेगा कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं है तो हो गया तो ये कह रहे हैं डिजाइनिंग अगर कंस्ट्रक्शन डैम है है ना तो प्रॉपर करना मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग डैम एज पर गाइडलाइंस रिकॉर्डिंग द डेटा इन द रियल टाइम ठीक है फॉरकास्टिंग द हजार इवेंट्स इमरजेंसी प्लान थिंग्स इन चीजों पे डेम की सेफ्टी डिपेंड करती है और अब यहाँ पे यह कह रहे हैं कि अगर हम देखें जैसे सिक्किम के अंदर जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड हुई पुअर कम्पलाइटेस्टर यहाँ पे हजार की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा माइन्यूट फ्लक्चुएशन से भी करता है अगर हम देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर ज्यादा हो रहे हैं तो किस तरह की स्थिति बन रही है अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ना लोग या कंपनियां वाटर को कैसे यूज कर रहे हैं हमने देखा उत्तरकाशी में जो जमीन धंस रही है कहीं ना कहीं वहां पे बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी रोल रहा ये कह रहे हैं कि पीरियोडिक रिव्यूज जो है उसका जरूरी है किस तरह से चीजें चल रही है इससे कि हम डैम की सेफ्टी पे काम कर सकें ठीक है ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए ये देखो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो स्पिल ओवर कैपैसिटी है दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डैम का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए द स्पिल ओवर कैपेसिटी मतलब कितना वो आ, अपना वो वाटर को रिटेन कर सकता है और उस वाटर से ज़्यादा लेवल होता है तो वो बाहर निकालना भी शुरू करेगा अगर उससे वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा डैम डैम का टूटने का खतरा बढ़ जाएगा ना जैसे अभी चांगथांग वाले के अंदर हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब आई होप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो डैम फेलियर आर ऑलवेज टास्क स्पेशली टू द डाउन स्ट्रीम साइड मतलब नीचे की तरफ वाले लोगों के लिए तो होती है क्योंकि सारा पानी वहीं आएगा उन्हीं का डिस्ट्रक्शन करेगा रिजल्टिंग इन द कोलोसल लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ठीक है ये एक लाइन इसने लिखी है इसी को आधार बना के आप दो तीन लाइन का इंट्रोडक्शन दे दो कि कैसे डैम फेलियर लाइव का प्रॉपर्टी का डैमेज करती है इकोसिस्टम को भी डैमेज करती है एनालाइज द वेरियस कॉजेज ऑफ द डैम फेलियर डैम फेलियर के कॉजेज आप बता दो ठीक है कि किस तरह से अगर कंस्ट्रक्शन डिजाइन में कुछ इश्यूज है या फिर हमारी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है उसकी वजह से स्पील ओवर कैपेसिटी ब्रीच कर जा रही है तो डैम ब्रीच हो जाएगा ठीक है या फिर हम देखें कि कोई इस तरह के पाइपिंग इश्यूज हैं लेट अस से कि डैम के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कोई दरार बन गई है क्लियर और हमने उसको नोटिस नहीं किया है कि यहाँ पे ये यह इस तरह का क्रैक आ गया है ना बिकॉज हमारे पास पीरियोडिक रिव्यू कर नहीं रहे तो उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान दे नहीं रहे कब वो आपका जो फॉल्ट है ना उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर या फिर जो मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो उस वजह से वो ब्रेक कर जाएगा तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो जैसे अगर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा एक लोगों की मेमोरी में है वो है मच्छू रिवर पे गुजरात की जो मच्छू रिवर है वहां पे सेवनटी के अंदर जो है डैम फेलियर होता है हजारों लोगों की जान चली गई थी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि एक कंस्ट्रक्शन फेलियर के प्रस्पेक्टिव से या जो ओवरफ्लो वो हो गया था उस परस्पेक्टिव से वो रहा आई होप इस तरह के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो तो शुड नॉट बी ए काइंड ऑफ आग प्रॉब्लम आगे आ जाते हैं ये जो टॉपिक है जो मैंने स्लाइड्स आपको कुछ नए बच्चों को लग रहा होगा नहीं पढ़ाई ये पाँच अक्टूबर का सेशन डाल के देख लेना प्ले लिस्ट भी बनी हुई है सेप्टेम्बर वाले सेशन की अलग है अक्टूबर वाले सेशन की अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है या फिर जो लाइव होती है ना स्ट्रीम चैनल पे जाओगे चैनल पे जो लाइव स्ट्रीम होती है उसी में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे सेशन आ रखें भी तो क्योंकि करंट अफेयर का ही चल रहा है तो ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं गगनयान टेस्ट फ्लाइट सक्सेसफुल दिस इज द न्यूज फ्रंट पेज आज के फ्रंट पेज पे ये न्यूज है क्या कह रहे हैं आपको एक नाम ध्यान रखना है देखो तो गगनयान तो पता ही है आपको कई बार हमने डिस्कस किया गगनयान क्या है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है कि भारत जो है ह्यूमन बींग्स को या इंडियंस को क्या है स्पेस में भेज रहा है स्पेस स्टेशन है वहां पे इस तरह से भेजा जाएगा तो पहला भारत का ये प्रोग्राम होगा जो हमारी कैपेबिलिटी को दर्शाएगा कि हम जो इंसान है उनको स्पेस में भेज सकते हैं और सेफ उनको वापस से डिसेंड कर सकते हैं भेज तो दिया लेकिन वापस लाना भी तो ज़रूरी है या नहीं कि भेज दिया आप वापस कैसे आएंगे गटिंग दिस कुछ बच्चे कहना शुरू करेंगे सर वो चाचा चौधरी और साबू आज की जनरेशन तो भूल गई है ना चाचा चौधरी वाला जो तो कॉमिक्स को पढ़ने में जो मजा था वो आज की जनरेशन के पास वो नहीं है याद है चाचा चौधरी वो साबू साबु ने एक भूसा मारा और वो ऊपर फिर वो नीचे अपने आप और कहीं लैंड करेगा है ना कोई दूसरे आईलैंड लैंड करता है वो भी अपने आप में एक दिन थे वट एम ट्राइंग टू टेल कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है ह्यूमन्स को वहां पे लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस क्राफ्ट वहां पे सिचुएटेड है वहां तक हम भेजेंगे विद द इंडियन लॉन्च व्हीकल और ब्रिंग बैंक ब्रिंग बैक ब्रिंग दैम बैक टू द अर्थ सेफली वापस से इनको सेफली भी लाना है अर्थ पे ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमिक्स uh, की बात नहीं हो रही है रियल लाइफ है उनको सेफ हम कैसे लेके आए तो यहाँ पे ये एक हमने टेस्ट किया ये टेस्ट बहुत क्रूशियल था गगनयान की सक्सेस के लिए गगनयान तो पता चली गया ये है ठीक है क्रूड ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट है जो कि क्या करेगा इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के अंतर्गत ह्यूमन बींग को स्पेस में भेज रहा है और थ्री मेंबर क्रू तीन लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ पांच से सात दिन वो स्पेस में रहेंगे फिर वापस यहाँ पे आएंगे इसके लिए एक रोबोट है व्योम मित्रा उसको भी भेजा गया है

और फिर हमारे जो यहाँ पे यात्री हैं स्पेस यात्री हैं वो वापस कैसे सेफली आते हैं सेफ लैंड करते हैं इस चीज को हमें देखना था तो इस चीज को देखने के लिए इन्होंने क्या किया टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन जिसको शॉर्ट में पी वी वन लिखा है टेस्ट व्हीकल अबाउट मिशन इसको हमने क्या किया सक्सेसफुली टेस्ट किया सेफली एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड इट्स सिस्टम इंक्लूडिंग द एस्केप मैकेनिज्म तो यहाँ पे ये जो एस्केप हुआ है ठीक है जो पैराशूट और इसके माध्यम से जिससे भी ये जो एस्केप हुआ है वो बंगाल की खाड़ी में सेफली इन्होंने इसको रिकवर कर लिया है कि हमारा जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें हमारे जो यात्री जाएंगे वापस जिसमें आएंगे उसको हमने सेफली रिकवर कर लिया इस कॉन्टेक्स में ये टेस्ट क्रूशल है क्योंकि अगर ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं होता तो हमारा गगनयान मिशन रुक जाता आगे नहीं बढ़ पाता ठीक है एक और न्यूज़ है इसको भी देख लेते हैं व्हाट दिस न्यूज इज ऑल अबाउट आ, लोनाक लेक पे मोस्ट ऑफ यू मतलब बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है जिन्होंने नहीं किया है या तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ठीक है या फिर जो भी इशू है चलिए नेक्स्ट हम न्यूज़ पे हैं से पहले फास्ट रेडियो जो बस्ट हैं एफ आर बीज की अगर हम बात करें तो ये अगेन एक टॉपिक है जो रिपीटेशन में आपका चल रहा है फास्ट ब्राइट रेडियो बस्ट फ्रॉफ द डिस्टेंस यूनिवर्स तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने एक गैलेक्सी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आती हुई हमें मिली है ठीक है एक गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमें देखने को मिली फास्ट रेडियो बस्ट के रूप में फास्ट रेडियो बस्ट के रूप में ये फास्ट रेडियो बस्ट क्या होती है बहुत ही कम से कम समय में लटस से सेकेंड्स के भी सेकेंड क्योंकि लटस से मिली सेकेंड्स के अंदर बहुत सारा एनर्जी एक साथ रिलीज होता है इसी सोर्स से ना तो उनको फास्ट रेडियो बस्ट कहा जाता है तो ये न्यूज़ यही कह रही है कि हमने क्या देखा है हमने देखा है ये फास्ट रेडियो बस्ट जो है एक हाई रेड शिफ्ट गैलेक्सी से रेड शिफ्ट गैलेक्सी का क्या मतलब हो गया गैलेक्सी तो आप जानते ही हो हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है हमारा जो घर है क्या नाम है हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है गैलेक्सी में आपके जो भी हैं डस्ट हैं क्लाउड हैं काफ़ी सारे स्टार्स हैं ठीक है मिलियंस ऑफ स्टार्स और ये सारा तो इससे गैलेक्सी बन रही है इस तरह की जो गैलेक्सीज हैं जैसा सानी एक स्टार है एक गैलेक्सी में पता नहीं कितने लाखों स्टार है और इस तरह की पता नहीं कितनी लाखों या करोड़ों गैलेक्सीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है अब अपने एग्जिस्टेंस को देख लो क्लियर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसी गैलेक्सी मान लो ये एक गैलेक्सी है अब ये हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे आकाश गंगा इससे दूर जा रही है ये जब दूर जाएगी तो एक तरह का रेड कलर ये दिखेगा यहाँ पे रेड शिफ्ट इसको कहते हैं ठीक है अगर पास आ रही है तो ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है रेड शिफ्ट फिनोमिना क्या है हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है इसका एग्जाम्पल है यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में भी पूछा हुआ है कई बार इसको बताया तो है ये जो फास्ट रेडियो बस्ट होते हैं ये क्या होते हैं बेसिकली रेडियो वेव्स के फॉर्म में काफ़ी सारी एनर्जी एक साथ निकल रही है किसी भी सोर्स से ये जा सकती है ठीक है और जनरली सोर्सेज क्या होते हैं ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ जिनका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टार्स होते हैं मैग्नीटार मैग्नेटिक जो स्टार्स होते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार मैग्नीटार कहा जाता है ये इतने पावरफुल स्टार होते हैं कुछ सेकंडों में इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे जो हमारा सूरज ये मान के चलो कई सौ वर्षों में रिलीज करेगा सन जितनी एनर्जी कई सौ वर्षों में रिलीज करेगा उतनी ये एनर्जी कुछ सेकंडों में रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स वी कॉल देम फास्ट रेडियो बस्ट है फार बीस ठीक है तो ये कह रहे हैं हमने एक यहाँ से इसको देखा है और इससे हमें थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी तरह से एफ आते हैं वर्क करते हैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं है बस ये कॉन्सेप्ट था एफ का जो तो भी रिपीटेशन में पता नहीं कितनी बार डिस्कस हुआ है सेम थिंग यू विल सी हियर एवियन इन्फ्लुएंजा एवियन इन्फ्लुएंजा ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं देखो जिसमें तो चर्चाएं चलती रहती हैं एवियन इन्फ्लुएंजा की बात करें बर्ड फ्लू का इशू चल रहा था ठीक है ये न्यूज़ क्या कह रही है ये न्यूज़ बता रही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कुछ पैटर्न हैं वो शिफ्ट हो गए हैं जिसकी वजह से खतरे की घंटी बढ़ गई है वायरस स्प्रेड इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा देखें क्या कहना चाह रही है उससे पहले कुछ बेसिक्स जैसे आपको पता होंगे पुराने बच्चों को तो नए बच्चे ध्यान रखना देखो वायरस जो होता है बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा आपने ठीक है तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं उनकी भी कुछ कैटेगरीज हैं ना ए बी सी डी टाइप में और उसके अंदर भी आप देखोगे वायरस का जो सरफेस होता है उसके ऊपर मेजर दो तरह के प्रोटीन होते हैं जैसे अगर आप देखोगे ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये एच फोर हिमाग्लूटेनिन है इस तरह के हिमाग्लूटेनिन अठारह प्रकार के होते हैं टाइप्स के होते हैं 1, 2, 3, 4, 18 तक एन जो है ये इलेवन टाइप्स के होते हैं 1, 2, 3, 4, 11 तक कोई भी जो वायरस होगा उसमें क्या कॉम्बिनेशन बैठता है एच और एन का उसके बेसिस पे बहुत सारे वायरस के टाइप होते हैं जैसे मान लो कोई वायरस है उसमें एच वन है और एन भी वन है ये वायरस कहलाता है ये है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह से अगर किसी में एच फाइव एन वन हो गया है ना हीमाटीन इन फाइव न्यूरो वन हो गया तो वी कॉल इट वॉट बर्ड फ्लू का वायरस है ठीक है बर्ड फ्लू वाला वायरस है या फिर एच एच नाइन के अंदर भी आते हैं बर्ड फ्लू इस तरीके से क्लियर तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका एच फाइव एन वन वाला बर्ड फ्लू वायरस है या एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है एक ही बात है ठीक है इसको फर्स्ट नाइनटी सिक्स में डिटेक्ट किया गया डिटेक्ट करने के बाद तक हमने देखा कि कहीं ना कहीं एशिया तक इसका स्प्रेड सीमित है एशिया के बाहर ये नहीं जा रहा है और फिर इसने थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा पैथोजेनिक बनाया मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका स्प्रेड हो रहा है ज्यादा जो है वायरुलेंस इसकी देखने को मिल रही है ये सब चीजें हमें देखने को मिली क्लियर द वायरस कैन इन्फेक्ट द मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स अब ये सबसे बड़ा अगर हम देखें ना अभी तक के जो हेल्थ हजार्ड में जो रिस्क हमारे सामने सबसे बड़े आ रहे हैं मेजर मेजर रिस्क इज दैट ये बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है ठीक है अभी तक यही था कि केवल बर्ड्स को पक्षियों को या उन, उनकी जो वो है उन्हीं को वो इन्फ्लुएंस कर रहा था इन्फेक्ट कर रहा था वहीं तक इन्फ्लेक्ट कर रहा था लेकिन आज आप देखोगे तो ये क्या है मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है ये सबसे बड़ा खतरा है सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर मेजर इशू इज देयर और इसपे अगर हम बात करें पता नहीं कितने सैकड़ों आर्टिकल्स पिछले एक साल में आए होंगे जो इस खतरे की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो तो बर्ड फ्लू था अब मैमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है ठीक है मैमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है जैसे हम देख रहे हैं सी लाइन्स हो गए फॉक्सेस हो गए और दूसरे हैं तो अगर उन जानवरों में भी जा रहा है तो ह्यूमन बींग के अंदर भी आएगा ह्यूमन बींग के अंदर आता है तो ये अपने आप में किस किस स्केल पे डिवास्टेशन कॉज कर सकता है आप देखो कोरोना ने कितना बुरा हाल किया अगर इस तरह की चीजें आ जाएंगी तो फिर तो बहुत ज्यादा रिस्क है तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास एच है ये हाईली पैथोजेनिक है ठीक है और इसका जो स्प्रेड है वो मेम्बल्स के बीच में भी देखने को मिल रहा है यहां तक तो हुई वही पुराना रिपीटेशन वाली बात ये न्यूज़ क्या एडिशन उस पर कर देती है पुराने के ऊपर ये न्यूज ये एडिशन करती है है ना पूरे में तीन बार इस एक ही चीज को रिपीट किया ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना इसमें तीन बार एक ही चीज को रिपीट रिपीट किया अलग अलग तरीके से ये कह रहे हैं कि ये जो पहले था वायरस केवल एशिया तक सीमित था अभी हमें शिफ्ट देखने को मिले हैं है ना इसकी वजह से अभी ये अफ्रीका में भी जा रहा है अभी ये आपका यूरोप में भी जा रहा है कहां कहां पे फैल रहा है अफ्रीका में भी फैल रहा है यूरोप में भी फैल रहा है तो इसी चीज की ये चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा खतरा बढ़ जाएगा डॉ क्योंकि ये मैमल्स में भी फैल रहा है कल को ह्यूमन बींग में फैल जाता है तो तोर वुड बी काइंड ऑफ यूज यूज कंसर्न पॉसिबल पाथवे फॉर लॉन्ग कोविड पैथोजेनेसिस अनकवर्ड ये जो न्यूज है चांसेस आर लेस की कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है लेकिन हमारी लाइफ से रिलेटेड या जो ऐसी चीज़ें हैं उसको समझने के लिए भी ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आएगा तो आ सकता है हम कुछ कह नहीं सकते यूपीएससी के रिगार्डिंग तो एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंस तो है लेकिन हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस आर्टिकल का देखो तो आपने देखा होगा कोरोना जिनको हुआ लंबे समय तक जिनको कोरोना हुआ वहाँ पे काफ़ी सारे रिप्रकशन देखने को मिल रहे हैं है ना कुछ लोग कह रहे हैं यार याद नहीं रहता है मेमोरी फॉग कहा जा रहा है कि है ना पहले हमारी याददाश्त बहुत अच्छी थी ये बहुत कॉमन कंप्लेन सुनी है आपने पहले यादाश्त हमारी बहुत अच्छी थी अभी यादाश्त उस लेवल पे नहीं है या फिर हमारे एनर्जी लेवल उस लेवल पे नहीं है ठीक है कई जगह पे अब एक और चीज आपने नोटिस की होगी अब इससे रिलेटेड है या किससे वो नहीं पता लेकिन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है हार्ट अटैक जो है बहुत फ्रिक्वेंट आ रहे हैं यंग पर्सनस वो हमारी जो यंग जनरेशन है उनके अंदर हार्ट अटैक की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी एक न्यूज थी आई थिंक आज तक पे या किसी पे मेंशन था वो द थिंक वॉज दैट की जो गरबा उत्सव चल रहा था वहां पे उसके अंदर अलग अलग जगह पे लगभग इतने टेन प्लस पीपल और सम्वेंटी के बीच में नंबर था लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई ठीक है गरबा आप कर रहे हो इंटेंस एक तरह का कार्डियो है फिजिकल एक्टिविटी है हार्ट कितना पंप कर पाता है उसकी भी कैपेसिटी है ना तो यंग जनरेशन में तो यार ये होना नहीं चाहिए बट स्टिल वी आर विटनेसिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन दिस इज द आंसर वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट वो आई एन टी वो पूरा नहीं है वो इंटरनेशनल है क्योंकि उसकी लिमिट रहती है कुछ क्वेश्चन है आपके लाइव पॉल में उनको आंसर करते रहकरों और आपके आंसर का जो टेस्ट है एम सी क्यू बेस्ड जो टेस्ट है उसकी रिगार्डिंग भी कुछ करेंगे अलग से टेस्ट क्रिएट करें अंडे को कर दें या फिर किसी भी और माध्यम से भी लाए जाएंगे वट दिस पर्टिकुलर न्यूज इज सही ये यहाँ पे कह रहा है कि लोगों के अंदर सीरोटोनिन जो लेवल है वो डिक्रीज कर गया है सीरोटोनिन जो है सीरोटोनिन क्या होता है एक तरह का न्यूरो होता है कई बार हार्मोन की तरह भी काम करता है इसको माना जाता है, हैप्पीनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल की अगर आप अच्छा फील कर रहे होप्पी फील कर रहे हो आपके सीरोटोनिन हाई है क्लियर लेकिन ज्यादा हाई होते हैं तो फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे ऑस्ट्रोपारोसिस हो सकता है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिक्कत कर सकती है खैर मिला के सीरोटोन न्यूरो ट्रांसमिटर न्यूरो ट्रांसमिटर मतलब हमारी नर्व के बीच में सिग्नल को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कह रहे हैं कोरोना का लंबे समय तक प्रभाव रहा उसकी वजह से डिक्रीज हो गया लेवल कॉजिंग द मेमोरी सीरोटोन लेवलोरी प्रॉब्लमिटी टू फोकस ऑन द टास्क एंड फटिक इन द पीपल विद लॉन्ग कोविड फटिक का लेवल बहुत ज्यादा है ठीक है अगर लंबे समय तक कोरोना है तो फिर वो बहुत जल्दी थक जा रहा है रिड्यूस लेवल आर सीन बोर्ड ड्यूरिंग एक्यूट कोविड एंड इंडिविजुअल्स विद लॉन्ग कोविड किसी को छोटे समय के लिए भी रहा हो लंबे समय के लिए भी रहा हो सब में जो है सीरोटोनिन लेवल को कम किया है कई बार आप देखोगे ना डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको एस वगैरह दिया जाता है कि उनकी बॉडी में सीरोटोनिन का रीअपटेक जो है वो कम हो जाए और बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल ज्यादा रहे ताकि उनको अच्छा फील कराया जा सके उस तरीके से भी ये काम में आते हैं सार्स इन्फेक्शन कोरोना इन्फेक्शन लीड टू सीरोटोनिन रिडक्शन थ्रू टाइप वन इंटरफेरॉन सिग्नलिंग इतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है जस्ट टू बी अवेयर व्हाट इज द िन एंड हाउ दिसक मेमोरी बात कर रहा है, ब्रेन फोग है ठीक है या फिर हम बात करें कि इंफ्लामेशन अनिजो इनफ्लामेशन इंड्यूसड बाई द वायरल प्रोडक्ट एक्सेट्रागस नर्व वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल जिसको स्टूमलेट करके है ना अच्छा फील कराते हैं या मेमोरी को एनहांस करने की बात की जा रही है Vegas आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसके अंदर चर्चा थी कि किस तरीके से वेगस को करके जो भी कोरोना रिलेटेड इम्पैक्ट है उनको सही करने की बात की जा रही है कुछ बेसिक सी चीजें हैं इनको ध्यान रखिए आज आप देखोगे हिंदू में दो और आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है वाई डिड सुप्रीम कोर्ट नॉट अलाउ सेज ये आर्टिकल है नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक ऑफ द सेम सेक्स मैरिज एक अलग से इस पे आपका सेशन भी बना रखा है एक अलग से वीडियो भी है आई थिंक बीस एक कुछ मिनट का है उसको देख लेना या तो या फिर आपका इसी डेली न्यूज वाला जो सेशन है मैं कवर किया हुआ है ऑलरेडी ठीक है सो इट मेक्स नो सेंस कि हाँ दो दिन पहले कवर किया है वापस क्यों पढ़ना सिमिलरली सिमिलरली विल सी अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है जो मैंने बताया बैक टू बैक जो अर्थक्वेक आए है ना जनरली आप फिर शौक होते हैं क्यों आए क्या रीजन रहा क्या नहीं रहा पूरा डिटेल में अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट के साथ जोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है फॉल्टिंग वगैरह वो सब बता दिया था और इसकी डेट मुझे याद नहीं आ रही है एक बार बता दीजिए ये लास्ट संडे का है या कब का है डेट बता देना एक बार क्या है जो तो नए बच्चे हैं वो भी इसको देख लेंगे क्योंकि दो चार दिन में ही ऑलरेडी टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस हुए हैं वी आर स्कीपिंग दिस सिक्स ईयर ठीक है ये भी काम की न्यूज़ है जिन बच्चों का नहीं पढ़ा हुआ है पढ़ लेना सेम सेक्स मैरिज वाला सेपरेट एक वीडियो है उसको देख लेना ये जो अर्थ क्वेक वाला है इसकी डेट बता दो मुझे एक बार लाइव डेट बता दो मुझे कर चुके एक वाला दो बार आपको पढ़ा दिया ठीक है अभी एक कल ही पढ़ा था वो नहीं इससे पहले जो पढ़ा था जिसमें मैंने फॉल्टिंग रिवर्स फॉल्टिंग क्या है ठीक है वो जो बताया था उसकी एक बार डेट बता दीजिएगा यहाँ नहीं तो फिर सेशन एंड होने के बाद मैंशन कर देना ताकि बच्चे देख लें उनको पता चल जाए ठीक है दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ओके जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन जो आते हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कर देना यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन कल से आपकी एन सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं जो बीच में रुक गई थी इलेवंथ की एन के तीन चार लेक्चर हुए थे इसी रीजन से वो कम्प्लीट नहीं हो पाए थे तो मैंने आपको कमिट किया था कि वो कम्प्लीट करेंगे इन सिमिलर फैशन जी के जो पेपर एनालिसिस है वो भी पॉज हो गए थे एक पेपर एनालिसिस हुआ था फिर नहीं हो पाए थे ठीक है तो वो सारी चीज़ें एक एक करके हम शुरू करेंगे पहले एन को शुरू करते हैं करंट इश्यूज के टॉपिक्स आपके आना शुरू होंगे फिर जीएस के जो एनालिसिस हैं उनको लेना शुरू करेंगे क्लियर हो गया कोविड वैक्सीन देखो मनदीप ने एक बात कही है और वो बहुत एक कंसर्न है लोगों में कि जो कोरोना के वैक्सीन है कहीं इनके तो साइड इफेक्ट नहीं है इस पर भी रिसर्च चल रही है अलग अलग ओपिनियन है ठीक है बट कंसर्नस आर देयर कि हाँ कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो ये नहीं है क्योंकि कोरोना वैक्सीन जनरली वैक्सीन को लाने में ट्रायल बहुत लंबा समय लगता है लेकिन हमारे पास पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन थी फटाफट वो वैक्सीन लाए गए जो तो भी सेफ्टी प्रिकॉशनरी ट्रायल्स थी वो की गई बट स्टिल देर हैव बिन सो मैनी कंसर्न काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा गया कि उनमें क्लोटिंग हो रही है ना जो थके रक्त के वो जमना शुरू हो गए हैं ये सारा चीज एन देखो पहले तो हम करेंगे इकोनॉमी वाली इकोनॉमिक्स की देन विल मूव टू द जोग्राफी क्योंकि मेरा जो डोमेन है पहले मैं वहाँ करूंगा जोग्राफी हेज़ बिन माई ऑप्शनल ऑल्सो तो जोग्राफी को हम अच्छे से करेंगे वो बहुत अच्छे से आपको मैं करवा दूंगा जोग्राफी एन Uh, वैसे तो देखा जाए देखो करंट अफेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मुझे आपको पॉलिटी भी पढ़ानी है ठीक है इकोनॉमिक्स इज़ देयर फिर uh, जो भी आपके है, हैं यू हैव दिस एनवायरमेंट जोग्राफी रिलेटेड इशूज़ हैं ठीक है यू हैव दिस आई आर बेस्ड इशूज़ हैं तो उसमें ये होता है कि शुरू में आपको भी खुद काफ़ी सारा नया सीखने को मिलता है वैसे करंट अफेयर में तो अगर मैं बात करूँ मेरा इकोनॉमिक्स है ठीक है? है अगर वो है तो मुझे भी काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर मैंने दस दिन भी करंट को फॉलो नहीं किया है मुझे भी लगेगा कि हाँ ये क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है मेरे लिए भी चीज़ें नहीं होंगी तो जो सब्जेक्ट डायनेमिक हैं जैसे पॉलिटी है ना या फिर मैं बात करूँ इकोनॉमी है या फिर साइंस एंड टेक है जो बहुत डायनेमिक है सब्जेक्ट उसमें करंट का तो रोल रहता ही रहता है फॉर श्योर ठीक है चलिए जो पी और उस, उसके रिगार्डिंग है तो वो ये टेलीग्राम पर अपडेट होती है टेलीग्राम पे अपडेट आपकी इवनिंग लेट नाइट तक होती है द रीज़न बीइंग क्योंकि ये रहता है कि उसी मटीरियल को उसी को कॉपी पेस्ट करके कुछ जो है वो यूज़ करते हैं लोग इस वजह से हम उसको इंटेंशनली डिले करते हैं आई थिंक दिस वो थोड़ा सा कंसर्न तो है बट दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व सो मेनी टाइम्स तो उस वजह से आपका रहता है क्लियर क्योंकि तो भी ऐसा सच ऐसा कॉपीराइट जैसा कुछ है नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा उसका तो कॉपी कॉपीराइट है अब वैक्सीन के बाद इश्यूज हो रहे हैं ये देखो ये लोगों का फीडबैक भी है अब क्या इसमें रियलिटी है कुछ प्रॉपर रिसर्च हो के है ना साइंटिफिक एविडेंस रिसर्च हो के है सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है बट कोरोना ने तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है और नहीं तो हमारी लाइफ स्टाइल को तो बहुत ही बुरी तरह से इम्पेक्ट किया है इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत छोटा सा एक सेक्शन है है ना वो लेटेस्ट से कि फाइव टेन लेक्चर की सीरीज के अंदर फाइव तो नहीं टेन लेक्चर की सीरीज में कवर कर सकते हैं ट डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ ऐसे टॉपिक है देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर आपने चीज़ों को आ, थोड़ा समझ लिया कि कैसे करना है तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी जो आपको लग रहा है ना समुंदर जैसा करंट फेयर जो पहले लगता था पुराने बच्चे एग्री करेंगे करंट अफेयर अब कितना ईजी लगता है आपको इसमें पहले लगता था कि जितना पढ़ो उतना कम है अब चीजें मैनेजेबल है नया इश्यू होता है तो भी आपको पिक करने में हेल्प होती है हाँ ये इंपॉर्टेंट है को तो ऐसे पढ़ना है ठीक है तो वही हमारा पर्पज़ है तो दिस इज ऑल फॉर नाउ कल आपका सेशन वही आठ बजे होगा संडे था है ना और इस वजह से और आपकी टाइमिंग को शिफ्ट किया गया था बाकी आपकी जो डेली क्लास है कल आठ बजे से ही शुरू होगी मैगजीन सीरीज में मंथली कंपाइलेशन टाइप कुछ करते हैं आपका दर्ट ऑल फॉर टुडे गाइस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन इफ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ वीडियोस क्योंकि ये बहुत जरूरी है सो दैट वी कैन सस्टेन ऑल दीज थिंग्स है